क्यों आखिरकार इतनी प्लानिंग करने के बावजूद भी प्रियंका चाहर चौधरी पिछड़ रही हैं? क्यों आखिरकार शिव ठाकरे ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है एज कंपेयर टू प्रियंका? आइए इस वीडियो में आपको बताता हूं कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट बात, जिसे सुनकर आप लोग भी कहेंगे कि यार ये तो सही बात बोली। स्वागत है चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भाई जहां पे बात की जाए हम प्रियंका चाहर चौधरी की, तो प्रियंका चाहर चौधरी एक स्ट्रांग हेडेड, स्ट्रांग माइंडेड या फिर कह सकते हैं इंडिविजुअल प्लेयर नजर आ रही है। प्रियंका का गेम बहुत ही ज्यादा सरल नजर आता है कि सारे मुद्दों में अपना मुद्दा जरूर रखना, सारे मुद्दों में अपनी बात रखना और लोगों को बताना कि भाई ये सही है या ये गलत। प्रियंका ने स्टार्टिंग मुझे याद है मान्या से करी थी, जब मान्या को बर्तन के लिए कहा गया था जिसमें प्रियंका ने अपना मुद्दा रखा था, वो लाइमलाइट में आ गई थी। उसके बाद बिग बॉस ने मौका दिया प्रियंका को, एक टास्क जीत गई थी वो, तो वो मौका दिया कि आपको डिसाइड करना है कि कौन किसका किसके साथ बेड शेयर करेगा, जिसमें प्रियंका ने बहुत सोच समझ के सारी चीजें बोल डाली थी। लेकिन 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 प्रियंका किस वजह से शिव से कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है? शिव जो बोलता है वो करता है, हमने देखा है, लेकिन प्रियंका जो बोलती है वो उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाती है, वो लिटरली फ्लॉप हो जाती हैं चीजें। और प्लस अगर आपने नोटिस किया होगा तो बिग बॉस आजकल हाथ धोकर पीछे पड़े हैं प्रियंका के, वो वक्त वक्त पे प्रियंका के गेम को, उसकी स्ट्रैटेजीज को एक्सपोज करते रहते हैं, अपनी चीजों को सामने रखते रहते हैं। जो कल भी देखा था आपने कि निमृत को जाकर बिग बॉस, मतलब निमृत को जगाना पड़ रहा है और बोलना पड़ रहा है कि देखो भाई प्रियंका ने ऐसा ऐसा बोला तो आप इस पर कोई एक्शन नहीं लेंगी। मैं हैरान, मैं सोचूं भैया ये क्या कर रहे हैं बिग बॉस। प्रियंका का कल का अगर मैं देखूं दोस्तों, तो स्टार्टिंग में जो उसने डिसाइड बोला था कि निमृत को राशन ले लेना चाहिए था, वो एकदम से सही बोला था निमृत ने, जस्ट बिकॉज टू मेक गुड फ्रेंडशिप विद शिव, टू यू नो रूल इन अनदर वर्ल्ड, निमृत ने इस तरीके का डिसीजन लिया। मैंने इस पर वीडियो बनाया, आप जरूर देख लीजिएगा कि आखिरकार उसने राशन क्यों चूज किया था। अब यहां पर प्रियंका जो है वो कमजोर कहां पड़ती है? प्रियंका ने प्लानिंग तो करी थी, लेकिन बात आती है उस मामले में जब उसने सौंदर्या के मामले में कुछ नहीं कहा। हालांकि प्रियंका और सौंदर्या की अगर बात की जाए तो प्रियंका ने पहले ही बोल दिया था कि मैं इस बारे में कुछ भी शिव लोगों के सामने इसको नहीं बोलूंगी और मैं नहीं चाहती हूं ये दिखाना, राइट? तो ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं प्रियंका जो है वो, शिव की अगर बात की जाए तो शिव भले कैप्टनसी में पहले रुका था लेकिन बाद में उसने जो कहा कि भूखा नहीं रहेंगे, राशन सबका करना है, तो उसके बाद उसने वो पॉइंट पर वो अडिग रहा था। तो दोस्तों प्रियंका प्लानिंग तो बहुत कर रही है, बहुत ठोस प्लानिंग करती है, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाती है। अगर आपने देखा होगा शिव ने भी तो यही बात बोली थी कि तुम प्लानिंग तो बहुत कर लेते हो लेकिन उसको निभा नहीं पाते। आपको क्या है कहना कमेंट करके जरूर बताएं। चलता हूं, अपना ख्याल रखें।